हे डू ऑल, कैसे हो तुम सभी लोग। आई होप सो यू गाइज आर ऑल गुड। एंड दिस इज द सेकेंड एपिसोड ऑफ टॉपर इंटरव्यू सीरीज। और आज इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं विद त्रिशन राव गन्नी, हु इज द टॉपर फ्रॉम थाने। एंड ही स्कोर्ड 98.8% इन हिज आईसीएसई क्लास 10th। और एक बहुत ही ज़्यादा इंसाइटफुल बात हुई है हमारी त्रिशन के साथ में। एंड त्रिशन के बारे में अगर मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बताऊँ, सो ही इज़ लाइक वो हेड बॉय था अपने स्कूल में, तो उसने बहुत सारी चीज़ें जो ना बताई हैं, लाइक हाउ ही मैनेज्ड हिज स्टडीज़, और उसके साथ साथ कैसे उसने को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी मैनेज किया। और उसके साथ साथ मैं बता दूँ अबाउट ब्रह्मास 3.0 टॉपर सब्सक्रिप्शन, इसमें जो ना त्रिशन एक तुम्हारे लिए मेंटोरशिप सेशन लेने वाला है, वेयर ही विल बी गाइडिंग यू ऑन वन ऑन वन लेवल। तुम एक लाइक वन ऑन वन इंटरेक्शन के साथ उससे बात कर सकते हो, एंड ही कैन लाइक ही विल बी देयर टू गाइड यू। ठीक है, सो टॉकिंग अबाउट ब्रह्मास 3.0 टॉपर सब्सक्रिप्शन, दिस इज आर कोर्स जहां पर हम लोग आईसीएसई बेस्ट 2025 के टॉपर्स को ट्रेन कर रहे हैं। मोर देन 700 स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी लाइक ऑलरेडी देयर इन ब्रह्मास 3.0। इसमें मेरी क्लासेस आर लाइक स्टार्टिंग फ्रॉम द कमिंग मंडे। ठीक है, तो मेरी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है, एक नया स्ट्रक्चर के साथ हम स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस को हम लोग डन कर रहे हैं बाय द मंथ ऑफ जून, तो तुम बढ़िया तरीके से जो ना अपनी गर्मियों की छुट्टी में सिलेबस को निपटा सकते हो। टॉकिंग अबाउट ब्रह्मास 3.0, द क्लासेस हियर आर वन ऑन वन इंटरेक्टिव। उसके साथ साथ यहाँ पर तुमको मास्टर टीचर्स ऑफ क्लैरिफाई नॉलेज पढ़ा देते हैं, जिनकी क्लासेस अभी ऑनगोइंग चल रही हैं। उसके साथ साथ तुम्हारे प्रणय भी पढ़ा रहे होते हैं, एंड आगे उसके जो ना वी प्रोवाइड यू विद ई बुक्स, डीपीपीज, नोट्स, एवरीथिंग। उसके साथ साथ वी ऑल्सो प्रोवाइड यू विद द एआई इंटीग्रेटेड टेस्ट सीरीज, जो कि हमारे कोर्स में लाइक एक ऐसी टेस्ट सीरीज है जहां पर बहुत सारे बच्चे आके टेस्ट देते हैं, एंड दे गेट द रैंक्स एंड एनालिसिस। और उसके साथ साथ वी प्रोवाइड यू बहुत सारे मेंटोर्स और टॉपर्स की मेंटोरशिप वन ऑन वन लेवल पे, जहां तुम उनसे लाइक माइक खोल करके डाउट पूछ सकते हो। ऑल ऑफ दिस कम्स एट अ प्राइसिंग ऑफ 899 rupees फॉर द कंप्लीट ईयर, बट इफ यू यूज द कूपन कोड टॉपर्स, तो टॉपर्स कूपन कोड यूज करके यू ऑल बी गेटिंग द कोर्स एट जस्ट अ प्राइसिंग ऑफ 599 rupees, एंड दिस इज फॉर जस्ट 5 स्टूडेंट्स थ्रू दिस वीडियो। ठीक है, तो प्लीज एनरोल कर देना, यू कैन एनरोल फ्रॉम द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। द लाइक यू कैन एनरोल आइदर बाय आवर ऐप और वेबसाइट, या फिर जो ना तो हमारे काउंसलर से भी कनेक्ट कर सकते हो और एनरोल कर सकते हो। अभी चलते हैं अपन पॉडकास्ट की तरफ, एंड प्लीज इट्स अ वेरी इंसाइटफुल पॉडकास्ट, तो प्लीज इसको एकदम एंड तक देखना। और आज हमारे साथ में है त्रिशन राव गन्नी, हु स्कोर्ड 98.8% इन हिज क्लास 10। और आज हम यहाँ पर इससे बात करने वाले हैं सो दैट यू गाइज कैन नो अबाउट द लाइक एक्चुअल कोर स्ट्रेटजीज ही फॉलोड अपनी क्लास 10th के टाइम पे, और उसने इतना तगड़ा स्कोर अचीव किया। सो ऑल अप टू त्रिशन नाउ भाई, अब अपने एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो। यस, हाय एवरीवन, एंड थैंक यू प्रणय भैया फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। तो मेरा नाम है त्रिशन राव गन्नी, मैं 16 साल का हूँ, एंड आई एम करंटली स्टेइंग इन थाने, एंड आई एम स्टडिंग एट फिनलैंड इंटरनेशनल स्कूल थाने। और जो मेरा आईसीएसई का स्कोर है वो है 98.8% विद 100/100 इन मैथमेटिक्स, 100/100 इन बायोलॉजी, 100/100 इन हिस्ट्री एंड सिविक्स, 99 इन साइंस एंड 99 इन हिंदी। तो जो है एक्चुअली जैसा टॉपर बोल रहे हैं वैसा तो कुछ नहीं है, बट आई एम अ स्टूडेंट लाइक यू, एंड बहुत ही अच्छा लग रहा है आपके। ओवर टू यू सर। यस, सो यार बॉस देखो, सबसे पहले तो माय क्वेश्चन इज कि व्हाट वाज योर मेन मेथड टू स्टडी, मतलब किस तरीके से जो तुम एग्जैक्टली पढ़ते थे, क्या एक मेन तरीका था पढ़ने का, लाइक जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं दे फॉलो सम लाइक दे फॉलो देयर स्कूल, या फिर जो ना दे फॉलो सम लाइक ऑफलाइन कोचिंग्स या फिर यूट्यूब पे से, तो आपका मेन जो एकदम लाइक मेन रिसोर्स था व्हाट वाज दैट? तो फॉर दिस पहले तो आई वुड लाइक टू से दैट माय पेरेंट्स, जो मेरे मॉम डैड एंड मेरे सिस्टर हैं, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। एंड अगर आप स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो माई स्कूल की फैकल्टी वॉज वेरी गुड, उन्होंने बहुत मोटिवेट किया माई स्कूल फैकल्टी, एंड उसके अलावा आई ऑल्सो यूज टू गो टू क्लासेस। तो वो जो क्लासेस के सर थे फॉर पीसीएम मैथम, जो पीसीएम था एंड इंग्लिश की लास्ट गो टू क्लासेस, तो वहाँ पे जो सर थे मैम थे वो अमेजिंग, उनके टीचिंग मेथडोलॉजीज बहुत अच्छे थे, एंड जो स्कूल की भी फैकल्टी थी इफ यू कैन से, उन्होंने बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, एनकरेज किया मुझे थ्रू आउट द ईयर। एंड आई नो एवरीबडी इज वेटिंग फॉर दैट स्ट्रैटेजी। So actually, if you ask about the strategies, right? So actually, I was also like just to mention, I was also the head boy of my school. So उसके बाद मैंने बहुत co-curricular activities, extra-curricular activities, बहुत के debates, MUNs and all. So उसके साथ जो है, I was able to manage this thing. So I for that again, my school and faculty was very good. My school faculty and everybody was very good. And अगर आप strategies की बात करें, right? So basically, the few things which I actually, आजकल के जो टॉपर्स रहते हैं वो एक प्रॉपर स्केड्यूल फॉलो करते हैं, एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करते हैं, बट टू बी वेरी फ्रैंक एंड वेरी ऑनेस्ट, मेरा कोई ऐसा टाइम टेबल या स्केड्यूल नहीं होता था,
बट मेरे हर दिन एक टारगेट जरूर होता था कि आज मुझे जो है ये टॉपिक जो है आई वॉन्ट टू फिनिश दैट. तो हर दिन ये सिलेबस ये टॉपिक वो डेफिनेटली मेरा रहता ही था. एंड आई ऑल्सो जो भी मैं करता था, सो बेसिकली आजकल जो पीपल डोंट लाइक टू स्टडी, बट मैं जो भी करता था आई मेड श्योर आई डिड इट पैशनेटली. मैं खुश होकर वो सब जो है पढ़ाई करता था एंड इट एक्चुअली हेल्प मी टू डेवलप इंटरेस्ट इन दैट सब्जेक्ट. एंड आफ्टर डूइंग ऑल दैट आई एक्चुअली फॉलोड दिस 4-step मेथोडोलॉजी एंड इट रियली हेल्प मी. तो पहले जो था आई यूज टू डू स्टडी, तो मेरे स्कूल के स्कूल से मुझे टीचिंग मिला है या फिर मेरे जो क्लासेज है उनके एक्सेप्शनल टीचिंग मेथोडोलॉजी से आई वॉज गेनिंग एजुकेशन. एंड जो हिस्ट्री ज्योग्राफी और हिंदी थे ये तीनों सब्जेक्ट्स आई वाज नॉट गोइंग टू एनी क्लासेस, तो मैं उसके लिए यूट्यूब से ही हेल्प लेता था. एंड वन ऑफ द मोस्ट यू प्रणय भैया, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट आपके जो वीडियोज एंड ऑल थे. तो देन आई यूज टू लर्न एज स्टेप वन. स्टेप टू जो था आई यूज टू रिकलेक्ट मेमोराइज एवरीथिंग, जो भी मैंने अंडरस्टैंड किया उसे मैं मेमोराइज करता था. एंड जो स्टेप 3 है दैट वॉज टू असेस माई सेल्फ, अभी पढ़ लिया अभी मैं उसे टेस्ट कर रहा हूँ कितना याद आ रहा है. जो मेरे क्लासेस स्कूल में बहुत एक थरो टेस्ट सीरीज था, सो उसकी वजह से आई हैव टू रेगुलरली असेस माई सेल्फ. एंड जो फोर्थ स्टेप है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से इज जो है रिविजन. तो रिविजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट. सो टू बी वेरी फ्रैंक जो है कुछ सब्जेक्ट्स का जो है रिविजन आई हैड डन 10 times, जैसे कि इंग्लिश एंड ऑल, तो वो जो है मैंने 10 बार पूरा सिलेबस रेगुलरली 10 बार मैंने खत्म कर लिया था बिफोर माई बोर्ड एग्जामिनेशन. 10 times, 5-10 बहुत ज्यादा हो गया, बट 5-10 times मैंने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया था. एक्चुअली ऐसा नहीं बोलूंगा कि वो सब हो जाते थे, बट देन डेफिनेटली आई मेड अ टारगेट एंड आई मेड श्योर टू कम्प्लीट देम. एंड ऑल्सो इफ यू आर आस्किंग अबाउट द स्ट्रैटेजी, देन आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि आई यूज, बिकॉज मेरा बहुत एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होता था, सो आई यूज टू डू दिस मेडिटेशन एंड चैंटिंग. सो वो जो है बहुत उसने मुझे हेल्प किया. सो बेसिकली देर वॉज दिस एक यूट्यूब है, उसमें आचार्य उपेंद्र जी करके है अंतर्योग फाउंडेशन, सो वहाँ पे दे यूज्ड टू हैव गाइडेड मेडिटेशन. और जब मैंने वो किया एक्चुअली इट हेल्प मी टू एनहांस माई फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन. जो भी मेरे टीचर्स मुझे बताते थे आई वॉज एबल टू अंडरस्टैंड दैट, सो दैट एक्चुअली गिव मी अ लेवरेज, उसने मुझे एक पर्क दिया टू गेट अहेड. एंड आई थिंक दैट इज द ओनली रीजन जो होते थे उसकी वजह से आई वॉज एबल टू बैलेंस माई एकेडमिक्स ऑल्सो एंड माई एक्स्ट्रा करिकुलर एंड एवरीथिंग. सो यस यार बहुत बढ़िया. लाइक सी देखो उसने जो ना आपको ए टू जेड हर एक चीज़ बताई है, वेदर इट इज कि उसका मेथड क्या था, ही टोल्ड यू कि लाइक सबसे पहले जो है पढ़ाई करो, देन उसके बाद में जो ना लाइक हर तरीके से देयर वाज अ 4-step मेथड एंड आई लाइक इट, और ऐसे करना भी चाहिए ठीक है. देन उसके बाद में लाइक जो एक और चीज़ है ही टोल्ड कि ही वॉज ऑल्सो लाइक इंडल्ज्ड इन सम ऑफ द को करिकुलर एक्टिविटीज, विच इज इन माई ओपिनियन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो इफ यू वॉन्ट टू डेवलप योर ओवरऑल पर्सोना तो देन दोज आर द थिंग्स विच कैन हेल्प यू ठीक है. सिर्फ किताबी कीड़े बनने से कुछ नहीं होता है ना. Yes, बहुत important point है. हाँ तो वो चीज़ों को जो ना थोड़ा सा जो है अपनी पर्सनैलिटी में लाने की कोशिश करो, दैट्स वॉट लाइक ही इज ट्राइंग टू से. और उसके बाद में लाइक त्रिशन नाउ माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि देखो मैं जो ना बहुत ज्यादा एज यू टोल्ड कि तुमने 5-10 बार रिवाइज किया एंड हमारे भी हम बैचेस के अंदर जो ना कम से कम 10 बार रिविजन्स कराते हैं. लाइक हमारा देयर इज वन ऑफ आर बैच, इसके अंदर हम 100 students ट्रेन करते हैं, तो उसमें भी हम 10 बार रिविजन करा रहे होते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी हम ले लेते हैं, बिकॉज नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट इट्स लाइक पॉसिबल कि वो टारगेट्स बनाकर अचीव भी कर ले. वी ट्रैक ऑल दैट फॉर देम. तो एक्चुअली मेरा भी जो है कुछ ऐसे टारगेट्स अचीव नहीं हो पाते थे, बनाता तो था मैं बट देन मेरा रह ही जाता था, बट देन आई वुड से इट्स गॉड्स ग्रेस की सब अच्छा हो गया. हाँ भाई भाई देखो लाइक फॉर नॉट फॉर एवरी स्टूडेंट जो ना दे कैन डू दैट, तभी फिर हमने एक लाइक सुपर 100 करके हमारा बैच है जहाँ पर वी डू दैट. सो बेसिकली देखो अभी माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्योंकि मैं इस चीज़ पे इस साल से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रहा हूँ, एंड दैट इज कि आपने सिलेबस लाइक कब कम्प्लीट किया. तो एक्चुअली जो बहुत लोग अपना जो पढ़ाई है वो बहुत जल्दी चालू कर देते हैं. आई विल बी वेरी फ्रैंक, मेरा जो था मैंने अप्रैल थोड़ा पढ़ाई किया होगा एंड मे तो आई वॉज देयर ऑन वेकेशन पूरा, तो मैंने अपना सिलेबस जो प्रॉपर इफ से जून से चालू किया. बट सी आई वुड से अगेन जो मैं मेडिटेशन जो करता था बाय अंतर्योग फाउंडेशन, तो वहाँ पे इट गेम एन लेवरेज. सो सबका अपना अपना कैलिबर होता है. आई कैन नॉट से कि आप अभी से करो, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से दैट. तो आपको अपना आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि आपका क्या कैपेबिलिटीज, आपके पास क्या टैलेंट है, लाइक आप कितने जल्दी खत्म कर पाते हो, कैसा आपका मेमोरी है. सो आई वुड सजेस्ट जो मैंने किया आई कैन से दैट
तो बेसिकली आई न्यू आई वुड बी एबल टू कम्प्लीट एंड मेरे क्लासेस एंड स्कूल अगेन हेल्प मी अ लॉट इन दैट. तो मेरा जो है मैंने जून से प्रॉपर स्टडीज चालू किया एंड ऐसा भी नहीं था कि मैं बहुत मतलब बट वन थिंग इज दैट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो मेरे ऐसे रहता था कि मेरा एक दिन बहुत आई यूज टू फील लो बट कभी कभार बहुत मेरा इफेक्टिवली पढ़ाई हो जाता था. बट अगेन आई वुड से कंसिस्टेंसी नेसेसरी है आपके पढ़ाई में. एंड जो है मेरा जो सिलेबस था वो जून तक खत्म हो गया था, सॉरी दिसंबर तक खत्म हो गया था. जून से चालू करके दिसंबर तक आई ट्राई टू फिनिश इट बिकॉज मेरे प्रीलियम्स आ रहे थे सो देर वॉज अ प्रेशर. एंड मैंने बहुत लोगों को देखा जिनका सिलेबस जो है जून के बाद प्रीलियम्स के बाद उनका सिलेबस खत्म हुआ. बहुत बड़ी दिक्कत है. दैट इज अ बिग प्रॉब्लम. यस यस उनको अच्छे मार्क्स आ गए बट इफ यू आर स्कोरिंग इफ यू आर एमिंग फॉर दैट 98 और 99 आई मस्ट से आप प्लीज दिसंबर तक ट्राई टू वाइंड इट अप बिकॉज जिनका प्रीलियम्स के बाद हुआ ना आई सॉ कि एक दो मार्क्स से वो पीछे रह गए. सो वन थिंग विच यू ट्राई टू कीप मेक श्योर इज कि आपका जो दिसंबर तक सिलेबस खत्म हो जाए बट डोंट प्रेशराइज मत करना अपना आपको. टेक योर टाइम एंड डू इट वेरी वेल. जो आपका अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऐसा वो थ्री इडियट्स में था ना कि सिर्फ रट्टा नहीं मारना अंडरस्टैंड करना उसको. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंड द टॉपिक बिकॉज दिस ईयर आई थिंक प्रणय भाई ऑल्सो नोज इट कि बहुत एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आए थे. तो हु वॉज एबल टू टैकल दैट जिनका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है. सो ट्राई टू टेक योर टाइम दिसंबर तक खत्म कर देना एंड देन डू योर रिविजन्स. एक्चुअली मेरा बोलने के लिए है बट देन वो इतना इफेक्ट मेरा सब रिविजन 100% तो नहीं हुआ था बट देन आई यूज टू ट्राई कि मैं खत्म कर दूँ रिविजन बट हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग था. तो इट्स ऑन यू कि आपका कैसे होता बट ठीक है बिफोर योर फर्स्ट प्रीलिम्स इन दिसंबर यू कैन कम्प्लीट योर जे सिलेबस. तो भाई देखो जैसे एज आई टोल्ड यू कि लाइक मैं जैसे कि बता रहा हूँ कि वी आर लाइक हम फॉर स्टूडेंट्स वी आर डूइंग दैट कि हमने जो ना उनका सिलेबस वी स्टार्टेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल और हमने जो है उसे जून में ही कंप्लीट कर दिया. तो व्हाट आई एम आस्किंग व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट कि हम लाइक जून तक जो है सिलेबस और मैं बता रहा हूँ ना वी आर नॉट स्ट्रेसिंग इट ऑन देम और ना ही हम उसे प्रेशराइज कर रहे हैं. हम आराम से 2 से 3 घंटा लाइक आप कोचिंग जाते हो और सब कुछ करते हो तो दैट ऑल्सो लाइक टेक्स अप्रोक्सीमेटली 3 to 4 hours पर डे. हम तो वो भी 2 घंटे में कर रहे हैं एंड देन वी आर कम्प्लीटिंग द सिलेबस इन द मंथ ऑफ जून फॉर द बेस्ट 2025. तो उस पर तुम्हारा क्या ओपिनियन है? आई थिंक अगर वो हो गया सो दैट इज द बेस्ट थिंग एवर बिकॉज सी पर्सनली मैं एक चीज बताता हूँ ये दैट इज माई एक्सपीरियंस एंड हाउ आई वॉज एबल टू अप्रोच माई सिलेबस माई सब्जेक्ट. देखो जो मुझे ऐसा लगा रहे कि रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना इम्पोर्टेंट है. एंड समय एग्जैक्टली और आपने जो है अगर जून तक जुलाई तक खत्म कर दिया सो देन यू हैव लॉट ऑफ टाइम फॉर रिविजन. दैट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग एवर बिकॉज बाद में जाके मुझे भी लगा कि काश मैं थोड़ा और रिविजन कर लेता बट आई थिंक रिविजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जितनी बार आप रिवाइज करो इट्स गुड एंड इट डिपेंड्स अभी आपका कैसे सिलेबस होता है हाउ योर स्टूडेंट्स आर एबल टू कोप विद इट एंड वो कैसे अंडरस्टैंड कर पाते हैं. बट देन अगर सबका ही मैनेज हो रहा है एंड जून तक खत्म हो रहा है देन इट्स अ वेरी गुड थिंग बिकॉज आपको रिविजन करने के लिए बहुत टाइम मिलता है. एंड सी आई थिंक दिस इज अ की मंत्र आई वुड से फॉर ICSE एस्पेशली क्योंकि इस बार प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आने वाले एनालिटिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं. तो आपको जो है मतलब रिविजन बहुत अच्छे से करना चाहिए बिकॉज सी अगर जितनी बार आप रिवाइज करोगे ना उतनी बार आपको वो पूरा समझ में आ जाएगी. यू विल सोक दैट एंटायर सब्जेक्ट एंड जब आपके अंदर मतलब मैं आपको रात को उठा के बोलूँगा कि क्या है तो आप बता पाओगे. तो इतने अच्छे से जब आपको पता है राइट यू विल बी एबल टू टैकल दोस क्वेश्चंस वेरी वेल. एंड आई थिंक दिस इज व्हाट एवरी टॉपर डस कि वो रिविजन बहुत बार करते हैं बट एट द सेम टाइम अंडरस्टैंडिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो अगर आपका सब मैनेज हो गया सो इट्स ग्रेट. बट पर्सनली आई वुड से मैंने मे में बहुत वेकेशन एंड वो सब किया था. हाँ बोले सी देयर इज अ डिफरेंट केस सबके साथ. हाँ राइट दिस इज परफेक्ट. बहुत अच्छा है जो प्रणय भैया कर रहे हैं. इट्स एक्चुअली वेरी गुड. सो यू गेट टाइम फॉर रिविजन. हाँ सो यार नाउ त्रिशन माय लाइक द सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज दैट आई विल आस्क यू 3 टिप्स. ठीक है बहुत फास्ट फास्ट जो है अपन को 3 टिप्स देनी है सो दैट लाइक 30-30 seconds में ऐसी जेन्युइन गोल्डन टिप्स बता दो कि बच्चा अगर वो इम्प्लीमेंट कर देना तो बस उसकी क्लास 10th नहीं अपार. 3 टिप्स देनी है अपन को. ठीक है सो माय फर्स्ट टिप वुड बी रिविजन रिविजन रिविजन. आप जितनी बार रिवाइज करोगे जैसे मैंने बोला इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिवाइज द सिलेबस वेरी प्रॉपरली एंड जो भी कंसेप्ट है डोंट स्किप एनीथिंग बिकॉज दैट्स व्हाट आई डिड. आई जस्ट स्किप्ड अ फ्यू टॉपिक्स जो बाद में मुझे प्रीलिम्स में आई फेयर बैडली. तो डोंट स्किप एनीथिंग. सेकेंड टिप जो है इट इज टू बिलीव इन योर सेल्फ. आप जब अपने ऊपर बिलीव करोगे दैट इज वेन यू कैन डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड.
सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, बिकॉज मेरे पास ऐसे नहीं कि आई एम ओनली समथिंग, आई एक्चुअली मेरे से भी बढ़ के बहुत लोग हैं, उनसे आई वॉज टेकिंग इंस्पिरेशन एंड आई वॉज एबल टू बिलीव इन माई सेल्फ. तो अपने पर बिलीव करो, डोंट से कि अरे हम तो हमारे साथ तो होगा ही नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है मेरा मिलना ऐसा. हैव दैट पॉजिटिव अफर्मेशन कि यस इट इज पॉसिबल, आप कर सकते हो. एंड थर्ड थिंग जो है इट इज अंडरस्टैंडिंग, जैसे जो थ्री इडियट्स मूवी में था कि डोंट सिर्फ रट्टाबाज नहीं बनना है, अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेरी वेल, उसको एक इन डेप्थ आप समझो एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ गाइस. इफ आई कैन डू दैट आई एम नथिंग. ओके मैं अभी सिर्फ 16 साल का हूँ, मेरा पूरा लाइफ बाकी है. बट आप अगर आई वॉज एज अ स्टूडेंट, आपके जैसा एक स्टूडेंट हूँ मैं, अगर आई वॉज एबल टू डू दिस देन आप सब कर सकते हो. सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ बिकॉज यू आर दैट angel, you are that star who can just fly and shine in the world. So just believe in yourself guys, and that is the success tip. Wo jo aapka mindset hota na, that makes a change. Toppers aise koi matlab wo kuch nahi hota, wo bas ek mindset hota hai, and that correct mindset is very very essential. So wo aap mindset rakhna, and trust me you can change your life after that. And yahi sabse bada secret hai, your mindset, your atmavishwas jo bolte na, self belief ki ha main kar sakta hu, तो वो बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, सो दैट्स अ वेरी लाइक वैलिड पॉइंट, आई एग्री ऑन दैट. कि देखो यार, पहले जो ना अपने दिमाग में ही तुम ये चीज बना लो कि आज से शायद से एक साल बाद मैं भी प्रणय भैया के साथ बैठाऊंगा एंड आई विल आल्सो बी गिविंग द इंटरव्यू, लाइक जहां मेरे 99% आए हो. तुम उस चीज के पीछे भागने लगो, एक साल मेहनत करो, यू विल अचीव इट. सिंपल, इट्स वेरी सिंपल, इट्स द गेम ऑफ माइंडसेट दैट यू हैव टू प्रिपेयर. देन लाइक द लास्ट क्वेश्चन भाई, व्हिच आई आस्क फ्रॉम एवरी टॉपर हर साल, एंड दैट इज की what is the help if we did from clarify knowledge you got like in your class tip? definitely mila, I wouldn't lie, because see jo baki ke pcm subjects I would say usse tha to classes aap pe bahut acha strategy tha, but for these subjects history geography ye jo subject hai social science I think bhaiya usme to expert hai. Haan, aap to usme sachche mein expert, and aapke strategies jo the that is the biggest आई वुड से आपने जो सबसे ज्यादा हेल्प किया आपके स्ट्रैटेजी से था. ये सब जो मैं स्ट्रैटेजीज बोलो कहीं ना कहीं आई हैव बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम प्रणय भैया ओनली. तो आप जो आई थिंक आई वॉज एबल टू स्कोर 100 on 100 इन हिस्ट्री, तो उसके लिए प्रणय भैया की जो स्ट्रैटेजीज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वॉज कंसिस्टेंटली वॉचिंग ऑल द वीडियोज, एंड जब भी मुझे थोड़ा डीमोटिवेट हो जाता था तो आपके मोटिवेशनल वीडियोज भी देखता था, डेट हेल्प मी अलॉट. एंड जो हिस्ट्री आई वुड से ज्योग्राफी है उसका अंडरस्टैंडिंग प्रणय भैया बहुत अच्छे से देंगे आपको. एंड स्ट्रैटेजीज जो भैया बताते हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आपका आई थिंक टाइम मैनेजमेंट का भी जो वीडियो था वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज सी पर्सनली आई एम नॉट पर्सन जो बहुत बुरा है टाइम मैनेजमेंट में. एंड मेरा पेपर प्रेजेंटेशन जो एक्चुअली मेरा हैंडराइटिंग कुछ बहुत खास नहीं है, बट आपके जो वीडियोज देखिए हाउ टू राइट योर पेपर, हाउ टू डू दैट टाइम मैनेजमेंट, जो स्ट्रैटेजी रहता है 10 days before 15 days before, सो जस्ट लिसन टू दैट एंड जस्ट फॉलो हाउ भैया सेज फॉर हिस्ट्री ज्योग्राफी एंड ऑल, बिकॉज दैट हेल्प मी अ लॉट. So thank you so much Pranay bhaiya for that, and the entire team of Clarify Knowledge for this whatever they've done and how they've guided me. Okay. So yaar like bahut zyada acha lagta hai ki kisi bacche ne jo na genuinely the content we produced usne follow kiya, he got the very good result. So it feels very good, and it's my request ki like please jo na genuinely follow all the stuff we produce, because hum us pe jo na hamari team agar wo ek aadhe ghante ka lecture tumhare samne aa raha hai na, we have to work on it for like 6 to 7 hours tab ja ke hum wo ek cheez prepare kar pate, because like multiple processes are there. Theek hai, but keeping all that aside, and baaki I would like to say ki just follow what bhaiya says. Bahut baar aisa hota tha ki hum apne man ka kuch alag kar baithte hain, so just follow whatever your guide, your mentor, whatever teacher are saying, just follow them blindly because they have that experience. Abhi bhaiya ke paas kitne उनके पूरे टीम का जो एक्सपीरियंस है, एंड ऑल योर टीचर्स, स्कूल के टीचर्स, क्लासेस के टीचर्स, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया, सो जस्ट फॉलो देम. यस, एंड यस आल्सो अ वेरी वैलिड पॉइंट दैट यू मस्ट हैव समवन हु इज गाइडिंग यू थ्रू आउट द ईयर, बिकॉज लाइक सी अगर तुम जो ना ऐसे अपने रास्ते चलने लगोगे शायद से तुम भटक जाओ, है ना. सो इट्स लाइक वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट यू आर गाइडेड थ्रू आउट द ईयर, और वेरी लाइक मैं यार बहुत ज़्यादा खुश हूँ आफ्टर डूइंग दिस इंटरव्यू विद यू बॉस. और मैं चाहता हूँ कि जो ना लाइक जितनी भी बातें त्रिशन ने आपको बताई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ द वेरी जेन्युइन एंड रॉ इंटरव्यू, बिकॉज इन माय ओपिनियन आफ्टर वाचिंग दिस कम्प्लीटली यू ऑल नॉट ओनली इंप्रूव योर क्लास 10th बट आल्सो योर पर्सोना, बिकॉज लाइक ही टोल्ड यू एवरीथिंग जो तुम्हें फॉलो करनी चाहिए. सो इट्स अ वेरी गुड थिंग, ठीक है, एंड आई होप सो दैट यू गाइज हैव लाइक तुमने जो ना बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं इस एक इंटरव्यू के थ्रू. एंड अभी हम रखते हैं यार इस वाले इंटरव्यू में इतना ही, एंड वी ऑल बी मीटिंग इन सम अदर वीडियोज़.
एंड तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, सी के ओ पी.